अपना चाय के ठेला का क्या नाम रखोगी? बीटीएस चाय वाली। शी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ बीटीएस। और आप तो फ्रेंड्स पूजा के बाद अब यहाँ पे चल रहा है प्रसाद। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन की, और नए दिन की शुरुआत बहुत ही खास है क्योंकि आज है छठ का दूसरा दिन, जिसको हम लोग बेसिकली खरना या लोंडा के नाम से जानते हैं। और आज छठ के महापर्व के इस अवसर पे मैं आया हूँ, एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं हमारे, उनके घर, उनसे मुलाकात करने। तो आप लोगों को भी मिलवाता हूँ कि वो है कौन। हाफ पैंट और हाफ गंजी पे बैठे हुए वो यूट्यूबर हमारे, तो मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ उनसे। तो ये है हमारे संस्थापक, फाउंडर, को फाउंडर स्पोर्ट्स विद ब्रो के, जिनके YouTube चैनल का रीच है, कितने सब्सक्राइबर है सर आपके? 18,000 आप जब तक अपलोड करोगे हो जाएगा। हाँ, तो जब तक ये वीडियो अपलोड जाएगा तब इनके 18,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो गली मोहल्लों में भीख मांगकर इन्होंने सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं। कैसा लग रहा है आपके 18,000 सब्सक्राइबर है? बस अभी तो शुरुआत है, बस मैं यही कहूंगा, होपफुली आपकी भी जल्दी। और इनके बगल में बैठे हैं दूसरे जस्ट डांस लाइक मी के संस्थापक, जिन्होंने अपने चैनल का 3 बार नाम चेंज किया है, और इनके चैनल पे सिर्फ कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको कॉपीराइट क्लेम लेकर? ज्यादा वीडियो बनाते नहीं, लेकिन रियली लाइक 6 महीने में वीडियो डाल दिया, वो ऐसे अभी नहीं है, वो बस नॉर्मली है। मैं बनाऊंगा जल्दी, मेरे पास नया मोबाइल आने वाला है, खुराक भी आने वाला है, तो नया मोबाइल कहाँ से आने वाला है? वो तो आपकी बहन का पुराना मोबाइल ही होगा, आप उसको नया बोलेंगे? फेक एक्सेंट में मत बोलो, रियल है ये ब्लॉग है, ये डेली ब्लॉग है। देखिए जब भी ये कैमरे के सामने आते हैं इनका जो फेक एक्सेंट है वो हमेशा चालू हो जाता है। और हमारे बगल में एक और बैठे हुए हैं, हमारे मामा जी लगेंगे, इनका नाम है विशाल कुमार सिन्हा उर्फ निक्कू। कैसे मामा जी आप? बहुत अच्छे हैं। कैसा लग रहा है पटना आकर इतने दिनों बाद? लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। वाइफ तो डांट वाट तो नहीं सुनेंगे मामी से कि आप अकेले आ गए, मामी को लेके नहीं आए? कुछ नहीं, वहाँ भी पर्व हो रहा है। अच्छा, तो मामी आपको आने कैसे दे दी? वहाँ भी हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो आप वहाँ होना चाहिए था, मामी को अकेला छोड़ के आप यहाँ आ गए? नहीं, मैं हर एक साल तो वहीं रहता हूँ, इस वजह से। अच्छा, इस बार आप यहाँ आ गए। तो ये थोड़ा सा सीरियस टाइप के हैं क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अभी मोबाइल में भी देखिए कंटेंट वही सब होगा, सर्च कर रहे हैं। अच्छा, गाना सर्च कर रहे हैं, सॉरी। तो अभी चाय हमारे लिए आ चुका है, चाय के साथ साथ मैगी भी आएगा। कितने का है, कितने का है चाय? 50,000। तो इसकी इंस्पिरेशन है ग्रेजुएट चाय वाली, तो ये भी कल को सोच रही है। तो अपने चाय के ठेला का क्या नाम रखोगी? बीटीएस चाय वाली। शी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ बीटीएस। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोमोज बेचने वाले, चौमिन बेचने वाले लोग यहाँ पे हैं। आप रख सकते हैं यहाँ पे चाय। तो अभी हम जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो छठ पर्व का जो दूसरा दिन होता है खरना का, इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और पूजा होता है। और यहाँ पे हम लोग आशीर्वाद लेते हैं जय छठी मैया, जय छठी मैया के नाम से। और आपको उससे बढ़िया एक और चीज दिखाते हैं, इसको देखिए, ये कॉपी करने में सबसे ज्यादा माहिर है। इसने पहले मेरा ये झूठ बोल रहा है, कॉपी ये की है यार। देखो मेरा कितना पुराना कपड़ा है, मेरा भी पुराना है। आपको मैं देख सकते हैं कि मेरा जो कपड़ा है, ठीक है, सेम, इसको कौन सा कलर कहते हैं, वाइन ग्रे, और वाइन और ग्रे। तो ये झूठ बोल रहा है, कॉपी कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये हुमाद, हम लोग जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है इसमें हुमाद डालते हैं, और यहाँ पे दंडवत प्रणाम करना होता है। तो फ्रेंड्स पूजा के बाद अब यहाँ पे चल रहा है प्रसाद, और तो गाइज इससे मिलिए, इसका नाम क्या है, क्या बताया? घर का नाम सुब्बी है, और स्कूल का नाम क्या है? अद्विका। अद्विका नहीं, तो हाँ, क्या बात है। आकाश में
स्कूल का नाम है मतलब क्या बात है। और आप कहाँ रहते हो? हम अच्छे, क्या बात है। और आज क्या है? छठी मैया का पूजा है। आज छठी मैया का पूजा है, दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है। चलो अब गए, अब लोगों को बाय बाय। तो फ्रेंड्स रात के बज चुके हैं 11:30, टाइम हो रहा है देखिए 1, तो रात के बजने वाले हैं 1। और हम लोग चले गए थे, मैं चला गया था अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ पटना में, कंकड़बाग में रहती है, तो उनके यहाँ भी प्रसाद खाने चला गया था। तो जैसा आप लोग देख चुके हैं वीडियो में कि छठ का दूसरा दिन भी समाप्त हो चुका है और आज है 30 अक्टूबर और आज है शाम का अर्घ। तो हम लोग सब थक चुके हैं, मम्मी चली गई हैं सोने के लिए, और थकने के बाद ना कभी कभी खाने का मन भी करने लगता है, भूख ज़्यादा हो जाती है। तो चल रहे हैं खाना खाने, खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खाने के बाद चाय वाय पियेंगे, चाय पीने के बाद सीधे बिस्तर पर जाएंगे सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। कल का जो दिन है उसमें बहुत सारे मतलब जैसे ठेकुआ वगैरह बनता है, फल वगैरह खरीदारी होती है, खरीदारी तो आज रात से ही चालू बेसिकली हो जाती है। अभी जब हम लोग रोड से आ रहे थे तो मैं तो खैर गाड़ी चला रहा था, आपको दिखा नहीं पाया, तो कल भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी किस तरीके से लाइटिंग व्यवस्था वगैरह सारी कुछ, मतलब आप जैसे ही आप बिहार में इंटर करेंगे ना तो आपको अपने आप स्वतः ही पता चल जाएगा कि जैसे बिहार में इंटर करने के बाद कि यहाँ पे ये जो माहौल है वो पूरा छठ का माहौल है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, ये ब्लॉग काफ़ी छोटा रहा होगा और न्यू ब्लॉग में मिलते हैं छठ के जो तीसरा दिन हमारा जो छठ का महान पर्व है जो 30 तारीख को है, तो उस दिन आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से सूर्य को अर्घ देते हैं और क्या क्या तैयारियां होती हैं छठ से रिलेटेड। तो टिल नाउ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और आप लोगों को आगे वाले भी वीडियो में बहुत मजा आएगा, जैसा देख रहे होंगे ना मेरी आँखें बार बार बंद हो रही हैं तो थकान के कारण हो रही है। बाय गाइस, लव यू ऑल।